जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे रिफत अब्दुल्ला। पुलवामा में आतंकियों से जारी मुठभेड़ के दौरान सेना के एक ब्रिगेडियर भी घायल हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान उन्हें भी गोली लगी है। रिफत, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी अभी खबर आ रही है कि फ्लैश फायरिंग हुई है और उसमें जिस तरीके से पहले हमने खबर दी थी, DIG साउथ कश्मीर अमित कुमार जो IPS ऑफिसर है वो भी घायल हो गए थे। अभी एक और खबर आ रही है कि ब्रिगेडियर जो है आर्मी ब्रिगेडियर वो भी जख्मी हो गए हैं। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि उनके बैक में गोली लगी है और कुछ ये कह रहे हैं कि उनके एंकल में गोली लगी है, टांग में गोली लगी है। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये बताया जा रहा है कि ब्रिगेडियर भी जख्मी है। तो ये रिसेंट टाइम्स में पहला ऐसा इनकाउंटर होगा जहां पे ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर जो है जख्मी हो गया और DIG लेवल का ऑफिसर जो पुलिस का है वो भी जख्मी हो गया। ऐसा भी कहा जा रहा है एक और फौजी जवान जो है उसमें घायल हो गया और पुलिस का भी एक और जो है कांस्टेबल घायल हो गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मॉर्निंग से लेके अभी तक जो है आर्मी और पुलिस के लोग जो है घायल भी हुए हैं। आर्मी के चार लोग जो है वो पहले ही जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे थे और उनमें से एक मेजर भी शामिल है। एक और मेजर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। तो कुल मिला के अभी चार जो पहले से ही जख्मी थे फौजी जवान, अब एक ब्रिगेडियर भी जख्मी हो गया और साथ ही DIG साउथ कश्मीर भी जख्मी हो गए हैं। रिफत, जरा बताइए, क्योंकि अचानक से ऐसी खबरें भी थी कि ये जो मुठभेड़ है जो कल रात से चल रही थी वो खत्म हो गई है, अचानक से फिर से फायरिंग क्या शुरू हुई है? मुठभेड़ क्या अभी भी चल रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आर्मी ने भी एक प्रेस नोट जारी किया था स्टेटमेंट, उसमें कहा गया था कि दो मिलिटेंट मारे गए और फोर जो है चार फौजी जवान जो है उनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, उनकी भी इसमें मौत हुई है। लेकिन पुलिस ने भी बाद में इसी तरह का एक प्रेस नोट जारी किया था और उसमें बताया गया था कि दो मिलिटेंट मारे गए। तो ऐसा लग रहा था कि एनकाउंटर खत्म हो गया, अब वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि अनाउंसमेंट भी की गई थी और लोगों से कहा गया था कि वो एनकाउंटर साइट के नजदीक ना जाएं क्योंकि वहां पे कुछ बारूदिशें हो सकती है जो फटने की आशंका रहती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शायद कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, कोई मिलिटेंट या तो जिंदा था वहां पे या अभी भी वो इर्द गिर्द है या वहीं डेबरी के नीचे है। ऐसा भी कभी होता है कि कोई वहां पे कोई बंकर बनाया गया हो नीचे या इस तरह का कोई हाइड आउट रहा होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी जो है रूल आउट नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लैश फायरिंग हुई और उसमें बड़े ऑफिसर्स को टारगेट किया गया तो ऐसे कहा जा सकता है कि शायद वहां पे प्लान्ड तरीके से मिलिटेंटों ने ये बाद में घात लगाकर हमला किया होगा, जिनको लगा होगा।